हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर गुड। सो लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी लैक्टोज इंटॉलरेंस के बारे में कि क्या होती है ये और इसे कैसे दूर किया जा सकता है और इसके अल्टरनेटिव क्या हैं। अब हम बात करेंगे कि फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में सबसे पहला और सबसे जो मेन फंक्शन है वो है एनर्जी। ये हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करता है। ग्लूकोज जो आप है सबसे मेन और सबसे मेजर फ्यूल है हमारी बॉडी को वर्कआउट कराने के लिए या फिर बॉडी के जो सेल्स हैं उनके लिए। अब ये प्रेफर्ड फ्यूल ऑफ नर्वस टिश्यू टू द ब्रेन। अब आपकी बॉडी बेशक चले या फिर कुछ भी करे, लेकिन अगर आप पूरे दिन में या फिर दो दिन आप खाना नहीं खाएंगे तो आपका दिमाग काम करना बंद सा कर देगा। लगभग आपको एकदम बिल्कुल ऐसी हालत हो जाएगी, आपका दिमाग सोचना बंद कर दे, क्योंकि नर्वस टिश्यू के लिए सबसे ज़्यादा चाहिए होता है ग्लूकोज। और ग्लूकोज मतलब आपका आएगा कहाँ से? कार्बोहाइड्रेट से। और जो RBCs हैं, रेड ब्लड सेल्स या फिर रेड ब्लड कैप्सूल्स, जो आपके बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं किसके लिए, मतलब ग्लूकोज ज़रूरी है रेड ब्लड सेल्स के लिए। अब एक्सेस अगर आपका ग्लूकोज हो जाएगा तो वो फॉर्म किस में, आपको हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि ग्लाइकोजन के रूप में कैसे लीवर और मसल्स में स्टोर होता है। लीवर में आपका होता है 100 ग्राम, मसल में होता है 400 ग्राम। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सेकंड फंक्शन है आपका कार्बोहाइड्रेट्स का स्पेयरिंग बॉडी प्रोटीन। स्पेयरिंग मतलब बचाना प्रोटीन को। देखिए प्रोटीन को कैसे बचाता है, इफ डाइट डज नॉट प्रोवाइड इनफ ग्लूकोज, अगर ग्लूकोज पूरी डाइट में आपके नहीं है, देन सोर्सेस ऑफ ग्लूकोज मस्ट बी फाउंड, मतलब कि अदर सोर्स होने चाहिए। इफ मतलब कार्बोहाइड्रेट्स इनटेक 50 to 100 बॉडी प्रोटीन विल बी यूज टू मेक ग्लूकोज। अगर लगभग आपके 50 ग्राम से कम आप बॉडी में अगर आपके ग्लूकोज जा रहा है तो आपका ग्लूकोज के आप ग्लूकोज बनाने के लिए प्रोटीन भी यूज होगा। बॉडी विल बी यूज टू मेक ग्लूकोज। जो लोग बोलते हैं कि प्रोटीन से ग्लूकोज नहीं बनता है, वो देखिए वो खासकर समझ ले कि कैसे एक काम करता है ये। अब देखिए, एन इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्पेयर्स बॉडी प्रोटीन्स फ्रॉम बींग ब्रोकन डाउन टू सिंथेसाइज ग्लूकोज। अब देखिए, आपने पूरे दिन में वर्कआउट किया, आपने पूरे दिन में खाना खाया, वर्कआउट किया, अब आप वर्कआउट करे जा रहे हो, जितना आपका 400 ग्राम मसल में था, 100 ग्राम आपका लीवर में था, सब आपका ख़त्म हो गया, ग्लाइकोजन स्टोर भी ख़त्म हो गए और भी बाकी जो जहाँ जहाँ बच रहे थे सब ख़त्म हो गए। अब फैट बर्न होना स्टार्ट होगा, फैट के साथ साथ आपका प्रोटीन भी बर्न होता है। अब भी प्रोटीन बर्न होगा तो मतलब आपकी भैया मसल खतरे में है, इसीलिए इसको प्रिवेंट करने के लिए मतलब स्पेयरिंग ऑफ बॉडी प्रोटीन को रोकता है कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट फंक्शन है प्रिवेंटिंग किटोसिस। अब किटोसिस मतलब क्या है, कीटोन्स हमारे कैसे बनते हैं, जब आप कार्बोहाइड्रेट्स की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है बॉडी में, और या फिर कार्बोहाइड्रेट्स रिक्वायर फॉर द कंप्लीट मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, मतलब कि जो फैट होता है उसका कंप्लीट मेटाबॉलिज्म करने में, फैट को पचाने में भी कार्बोहाइड्रेट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन हम जब कार्बोहाइड्रेट्स ही नहीं लेंगे तो आपका क्या होगा, कीटोन्स आपके बनेंगे। सो ये आपका है एन एडुकेट सप्लाई ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब कि ये पर डे प्रिवेंट्स कीटोसिस। तो कीटोसिस से बचाने के लिए आपका क्या है, इसीलिए देखिए कीटो डाइट के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा कि कीटो डाइट कैसे काम करती है, उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे एक। सो ये आपका कार्बोहाइड्रेट्स। अब फाइबर बेनिफिशियल फॉर वेट कंट्रोल, जो आपके वेट कंट्रोल में फ़ायदा कैसे करेगा, आप लगभग दिन में आप कम से कम 1 किलो सलाद खाओ, खीरे टमाटर गाजर और जितने भी आपके और भी जो भी खा सकते हो सब खाओ, तो उससे क्या होगा, आपका पेट तो भरेगा पूरा लेकिन आपकी कैलोरीज बहुत कम जाएंगी बॉडी में। सो उससे क्या फ़ायदा होगा, वेट कंट्रोल में रहेगा और आपका गैस्ट्रिक जो डिले रहती है उसमें आपको थोड़ा सा इजीली आप फ्रेश हो पाओगे मॉर्निंग में भी, ठीक है। नेक्स्ट आपका है सोल्यूबल फाइबर लोअर ब्लड कोलेस्ट्रॉल टू हेल्प रिड्यूस रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। आगे हम धीरे धीरे बात करेंगे कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, HDL क्या होता है, LDL क्या होता है, सब के बारे में बात करेंगे हम। ये आपका लोअर करता है जो सोल्यूबल फाइबर होते हैं, सोल्यूबल मतलब जो आपके डाइजेस्ट हो जाते हैं फाइबर, वो आपका क्या करते हैं,
रिड्यूस करते हैं, मतलब कि कोलेस्ट्रॉल जो आपका है ब्लड कोलेस्ट्रॉल वो रिड्यूस करते हैं ताकि आपकी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज ना हो। नेक्स्ट आपका है मिनिमाइज रिस्क ऑफ एंड हेल्प कंट्रोल टाइप 2 डायबिटीज़। अब हम बात करेंगे टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ क्या क्या होते हैं, इनके बारे में भी हम बात करेंगे ईजिली इसी वीडियो में जब हम आगे बढ़ेंगे। इनसोल्यूबल फाइबर हेल्प प्रोमोट इंटेस्टाइनल हेल्थ, जो आपकी आंत, छोटी आंत और बड़ी आंत दोनों की इंटेस्टाइनल की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फाइबर, क्योंकि ये बहुत ईजीली आपको फ्रेश फील कराता है और आपके जो स्टूल साइज़ है और उसको ईजीली पास करता है आपके स्टूल को, ठीक है। सोल्यूबल फाइबर, जो आपके सोल्यूबल फाइबर हैं उनमें आपका देखिए एग्जाम्पल इंक्लूडिंग गम्स, पेसिन्स और आपका म्यूसिलेज एंड सम हेमीसेल्युलोस। हेमीसेल्युलोस और सेल्युलोस अलग अलग हैं। फंक्शन क्या है आपका, डिले गैस्ट्रिक एम्प्टिंग, स्लो ट्रांसिट थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम, डिले ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन और आपका बाइंड टू बाइल, हेल्प डिक्रीज कोलेस्ट्रॉल। तो ये इसके फायदे हैं। और क्योंकि देखिए डिले आपका, जब जितना धीरे आपका ग्लूकोज एब्सॉर्ब होगा मसल के द्वारा उतना ज़्यादा फायदा है किसी भी एक नॉर्मल पर्सन के लिए, उसका मेटाबॉलिज्म उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा और फैट उसकी बॉडी में नहीं जल्दी से आएगा, कोलेस्ट्रॉल उसका कंट्रोल में रहेगा। फूड सोर्सेज क्या क्या है आपके, फूड सोर्सेज आपके फ्रुक्टोस और ये सब, मतलब फ्रूट वगैरह। इनसोल्यूबल फाइबर की बात करें, इनसोल्यूबल जो आपके घुलते नहीं हैं, तो उसका एग्जांपल हमने बात करी थी सेल्यूलोस जो होता है सबसे मेन आपका इनसोल्यूबल फाइबर है, सेल्यूलोस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। हेमीसेल्यूलोस ये भी है। और फंक्शन क्या क्या है इसके, स्पीड ट्रांसिट थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, डिले ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन ये भी सेम है आपका, इंक्रीज फिशल वेट एंड स्टूलन स्टूल टू ईज पास, मतलब ईजिली स्टूल आपका पास हो जाएगा और बहुत ही अच्छा डाइजेशन के लिए है ये। रिड्यूस रिस्क ऑफ हेमोराइड्स, ठीक है, एंड आपका जितने भी आपका अपेंडिसाइट्स उसके लिए भी बहुत ज़्यादा उसके रिस्क को कम करता है। नेक्स्ट आपका है फूड सोर्सेज कौन कौन से आपके, सीरियल्स ग्रेन्स मतलब अनाज जो भी होते हैं आपके, अनाज जितने भी हैं आपके, लेग्यूम्स दालें जितनी भी हैं, वेजिटेबल्स और नट्स जितने भी हैं। सो ये थी आज की हमारी वीडियो अबाउट द फाइबर्स। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि फाइबर टू मच ऑफ गुड थिंग, ज़्यादा अच्छा है या फिर नहीं है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल वी मीट, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।